ईरान में पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास बुधवार को कुछ मिनटों के अंतराल पर दो धमाके हुए। धमाके के वक्त सुलेमानी की चौथी बरसी पर उनके कब्र के पास भारी संख्या में लोग जुटे थे। इन धमाकों में अब तक 103 लोगों की मौत हुई है और लगभग 170 लोग घायल हैं। इस घटना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नेतृत्व को शोक संदेश भेजा। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को एक संदेश में कहा कि पीड़ितों के परिवारों और दोस्तों के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें। पुतिन ने कड़े लहजे में यह भी कहा, हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करते हैं और इस बुराई के खिलाफ समझौते न करने वाली लड़ाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ईरान में हुए इन बम धमाकों की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुछ ईरानी अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि हमलों के पीछे इसराइल या अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसराइल गाजा हमले में ईरान जहां गाजा के समर्थन में खड़ा है, वहीं अमेरिका इसराइल का समर्थन कर रहा है। एक इशारा इधर भी किया जा रहा है कि ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब इसराइल के ड्रोन हमले में ईरान के सहयोगी और हमास के नंबर दो के कमांडर सालेह अल अरूरी की मौत हो गई है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि इन धमाकों के पीछे इसराइल का हाथ हो सकता है। इधर अमेरिका ने भी हमले को लेकर सफाई दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को जोर देकर कहा कि अमेरिका इसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास ये मानने का कोई भी कारण नहीं है कि विस्फोटों में इसराइल शामिल था।